हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल कंप्यूटर पोर्टल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपने देख लिया कि आज हम देखेंगे हाउ टू गेट सॉल्यूशन ऑफ सुमिता अरोरा प्रैक्टिकल बुक, यानी कि सुमिता अरोरा के साथ ना एक हमारे एक प्रैक्टिकल बुक मिलती है जो हमें ना मतलब उसमें प्रैक्टिकल के जो क्वेश्चन दिए होते हैं उस बुक का सॉल्यूशन अगर हमें चाहिए तो वो हम कहाँ से देख सकते हैं गाइस। सो गाइस, चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो शुरू करते हैं और आज कुछ नया सीख लेते हैं। सो गाइस, मैंने अपनी वेबसाइट पाथ वाला का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, यानी तो आप गूगल पे ना सर्च भी कर सकते हैं pathwala.blogspot.com, यानी तो पाथ वाला भी सर्च करेंगे PATHWALA तो आ जाएगा हमारी वेबसाइट, तो सबसे टॉप पे आ जाएगी। तो आप यहाँ से होम पेज पे डायरेक्ट आ जाएंगे, राइट। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे मेनू का बटन दिखेगा, अगर आप डेस्कटॉप वर्जन है तो आपको वहाँ डायरेक्ट दिख जाएगा, पर फ़ोन में अगर कर रहे हैं, मैं आपको फ़ोन में बता रहा हूँ, तो इसी तरह डेस्कटॉप में भी होगा। जैसे ही आप मेनू बटन पर क्लिक करेंगे आपको ऑप्शन दिख जाएगा computerscience/IP, तो उस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको जिस क्लास का चाहिए, जैसे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्लास 11 का, तो मैं क्लास 11 पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपने इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, राइट। फिर उसके बाद आपको ना जिस चैप्टर का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन चाहिए, मान लीजिए मुझे ना कंडीशनल एंड इटरेटिव स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन चाहिए, जिस चैप्टर का आपको चाहिए उस पर क्लिक करिएगा। फिर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यहाँ देखिए जो सुमिता अरोरा में टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी सॉल्यूशन है ना, आपको वो भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कि यहाँ से आप ना उन सब के सॉल्यूशन देख सकते हैं। यानी तो आपको देखिए सबसे लास्ट में मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ प्रैक्टिकल के सॉल्यूशन, तो देखिए यहाँ प्रैक्टिकल का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जा रहा है, राइट। आपको प्रैक्टिकल पर क्लिक कर देना है, सो बूम गाइस, देखिए आप आ गए डायरेक्ट प्रैक्टिकल के सॉल्यूशन पर, राइट। यहाँ PIP 4.1, फिर 4.2 ऐसे ही। गाइस एक बात ध्यान में रखिए कि प्रोग्रामिंग क्वेश्चन अपलोड करते हैं, ना कि ना थ्योरी क्वेश्चन। अगर आपको थ्योरी क्वेश्चन भी चाहिए तो हम जल्दी से जल्दी इसको अपलोड कर देंगे, पर उम्मीद है कि आप थ्योरी क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, राइट। पर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन थोड़े हार्ड होते हैं, तो इसलिए हमने ना सिर्फ प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन अभी अपलोड किए, और ना आने वाले समय में इन फ्यूचर हम वो भी अपलोड कर देंगे, राइट। तो इस देख सकते हैं कंडीशनल इटरेटिव स्टेटमेंट का ये हमने दिखा दिया, राइट। और गाइस मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि ना आप हमारी वेबसाइट पर आएंगे तो ना आपको मैं हर तरह के ना सुमिता अरोरा से रिलेटिव हर तरह के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, राइट। और ना आपको मैं नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करा दूंगा, अभी क्लास 11 का, क्लास 12 का हो गया, क्लास 11 का भी नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा गाइस। यानी कि अगर आप कंप्यूटर साइंस लिए हैं और क्लास 11 में, तो आप हमें हमारे वेबसाइट पर ज़रूर विजिट किया करिए, राइट। मैं आपको यहाँ पर कंप्यूटर साइंस क्लास 11 से रिलेटिव सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा, राइट। सो गाइस आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।